हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण, जो कार्बनिक रसायन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज अपन आईयूपीएसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आईयूपीएसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको देखने वाले हैं। तो इसका फुल फॉर्म आज अपन देख लेते हैं कि क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो मैं आपसे हिंदी में भी पूछूंगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले आई, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। फिर इसके बाद क्या लिखा है, यू। तो यू का मतलब होता है यूनियन। फिर इसके बाद ऑफ आएगा, ऐसे ही इसका। इसके बाद क्या है, पी। तो पी का मतलब होगा प्योर। एंड और ये जो ए है, इसका मतलब होता है अप्लाइड। और ये जो आखिरी में सी लिखा है ना, इसका मतलब होगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से समझना है, मतलब आईयूपीएसी अपन जीरो से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और जो भी आपके डाउट होंगे तो आप बीच में पूछ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो। तो देखो, आई का मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू का मतलब यूनियन। ऑफ रहेगा इसमें, यहां पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पी का मतलब क्या होगा, प्योर। और इसके बाद एंड आएगा, फिर इसके बाद ये जो ए है, इसका मतलब होता है अप्लाइड। और सी जो है, इसका मतलब होता है केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका ये नाम हो जाएगा। अब हिंदी में नाम बताना, ठीक है। तो हिंदी में नाम बताइए रामचरण। शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। हाँ, शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ, रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। तो ये जो है आईयूपीएसी का हिंदी हो गया। बहुत से बच्चों को हिंदी पता नहीं होती है, इंग्लिश में आईयूपीएसी का फुल फॉर्म तो पता होता है लेकिन हिंदी पता नहीं होती है। तो अपन को हिंदी भी पता चल गई है, शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। अब आईयूपीएसी आखिर है क्या? तो असल में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं जो कार्बन से मिलके बने हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। क्योंकि ये किससे मिलके बने, कार्बन से मिलके बने हैं। तो ये जो कार्बन से मिलके बने होते हैं, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, चार। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से। यहां पे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, छह। कैसे पता, अपन ने याद किए थे ना, याद किए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। कार्बन छठवें नंबर पे आया है, बहुत बेसिक से समझना है। कार्बन कितने नंबर पर आया, छठवें नंबर। तो यहां पे लिखा है C6। अब नील्स बोर के अनुसार यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 18 और फिर लिखेंगे 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपन यहाँ पे बांटते हैं, जैसा उसका जितना बड़ा उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 6 है ना, तो 6 है तो पहले में कितने भरने होते हैं, 2। तो इसके पास 6 है तो 2 तो आराम से भर सकते हैं, तो पहले में आएगा 2। बहुत बेसिक से समझना। इसके बाद दूसरे में कितने भर सकते हैं, 8। लेकिन अगर हम यहां पे 8 भर देंगे तो 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। लेकिन इसके पास है कितने, 6। तो अपन यहां पे कितने भरे कि 6 हो जाए, 4। कितने भरे, 4। अब 4 और 2 यदि दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? तो ये 6 हो गए। अब इसके देखो, ये अंदर वाला कोष कहलाता है और ये बाहर वाला कोष कहलाता है। बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लेकिन 4 को 8 होने के लिए कितने और चाहिए, 4 और चाहिए। तो इसलिए कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है अपने आसपास। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लेता है। इसलिए कार्बन को चतुसंयोजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुसंयोजी।
तो कार्बन जो है चतुसंयोजी परमाणु है, कैसा है? चतुसंयोजी। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे कोई भी परमाणु आ सकता है, और अगर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन होगा। 90% केस में क्या होगा? हाइड्रोजन। जैसे हम यहाँ पे Cl यानी कि क्लोरीन जोड़ सकते हैं, Cl क्या है? क्लोरीन है। यहाँ पे हम फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, और मान लो कि खाली बॉन्ड है तो वहां पे क्या जोड़ सकते हैं? हाइड्रोजन। क्या जोड़ सकते हैं? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं? हाइड्रोजन। जैसे मान के चलिए ये है कार्बन, ये है कार्बन, और यहाँ पे हमने इस तरीके से तीन बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे क्लोरीन बस लिख दिया और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो आप समझ जाओगे ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। सब जगह क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। क्योंकि जब कुछ नहीं लगा होता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन। बिल्कुल कंपल्सरी क्या होगा? हाइड्रोजन। अब लेकिन कार्बन का जो चार बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। अब यहां पे मैं मान के चलो यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, है ना, तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए? चार। तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन के लाखों यौगिक है। कार्बन के कैसे यौगिक है? लाख। और लाखों यौगिकों के नाम याद करना पॉसिबल नहीं। पांच छह होते तो याद कर लेते अपन, लेकिन कितने? लाख। लाखों हैं कार्बन के यौगिक, तो उनके नाम याद करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं अपन? इनका एक IUPAC सिस्टम से नामकरण करना सीखेंगे। यौगिक आपके सामने लिखा रहेगा, जैसे मान के चलिए ये एक यौगिक लिखा है इस तरीके से, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, कार्बनिक यौगिक है, तो इसका नाम क्या होगा? ऐसे कई यौगिक होंगे तो उनका नाम क्या होगा? तो ये किसके अनुसार होगा? IUPAC के अनुसार ही होगा। तो यही चीज अपन सीखने वाले हैं। एक दो यौगिक होते यदि तो हम उनका नाम याद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लाखों यौगिक हैं, तो उनका जो नाम है वो किसके माध्यम से दिया जाएगा? IUPAC। तो कैसे, इसको देखते। जैसे तुम्हारा नाम है रामचरण, तो कैसे लिखते हो? रामचरण ऐसे लिखते हो कि नहीं? फिर क्या आता है? सिंह। फिर क्या आता है? ठाकुर। ये आता है कि नहीं? मान लीजिए बहुत से बच्चे इस तरीके से नाम लिखते हैं, ये क्या कहलाता है? फर्स्ट नेम। क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेकंड नेम, मिडिल नेम। क्या कहलाता है? मिडिल नेम। और ये कहलाता है लास्ट नेम, लास्ट नेम या सर नेम, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से इनके भी नाम होते हैं, पहले पूर्व लग्न आएगा, फिर अनु लग्न आएगा, इस तरीके से बीच में ये कार्बन की बॉन्ड होगी। तो इसको अपन समझेंगे, तो ध्यान से देखना है कि किस तरीके से इनके अपन नाम लिखेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट चीज, ठीक है। अब यहां पर जैसे यहां पे अब कार्बन, एक कार्बन है और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो एक कार्बन को क्या कहेंगे, दो कार्बन को क्या कहेंगे, ये पता होना चाहिए। तो एक कार्बन को कहते हैं, एक कार्बन यदि कहीं पे जुड़ा है किसी यौगिक में, तो अपन उसको इस्तेमाल करेंगे मैथ शब्द। क्या करेंगे? मैथ। एक कार्बन के लिए हो जाएगा मैथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। तो एक कार्बन को बोला मैथ, और सब जगह कहां कितने बॉन्ड है? सिंगल, एक ही है, तो ये हो जाएगा एन। तो इसका नाम मैथ प्लस एन, और इसको कंप्लीट अगर इसको अपन जोड़ देंगे तो क्या होगा? यहां पे मैथ है। क्या होगा? मैथ। समझ में आया कि नहीं? अब अपन कार्बन की गिनती तो सबसे पहले याद करेंगे। कार्बन की गिनती क्या होगी? देखो ध्यान से, यहां पे अपन को सबसे पहले क्या याद करना है? कार्बन की गिनती। अभी तक समझ में आ रहा कि कार्बन की गिनती? एक कार्बन को अपन आज से बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथ। तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ग्रुप। चार कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। पांच कार्बन है तो क्या बोलेंगे? बेंड। यस। और छह कार्बन है तो क्या बोलेंगे? हेक्स। सात कार्बन है तो हेप्ट। और आठ कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट।
और 9 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? नॉन। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। और 10 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? डे। तो अपन को 10 तक यदि याद हो जाएंगे तो इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, 10 तक याद हो जाएंगे तो इतने में काम चल जाएगा। अब देखो इसके आगे 11 कार्बन को, जनरल नॉलेज के लिए देख लो, 11 कार्बन को क्या बोलेंगे? अंडे। अंडे, ठीक है। और 12 कार्बन को क्या बोलेंगे? डोर। इस तरीके से चलता जाएगा, ट्राइडेक, 13 कार्बन की ट्राइडेक। और फिर आखिरी में जब 20 कार्बन आएगा इसको बोल देंगे ईकोस। क्या बोलेंगे? ईकोस। फिर इसके बाद वैसे चलेगा अनलग के, ठीक है, अनिकोस, डो इकोस, इस तरीके से चलेगा। लेकिन उतना जरूरी नहीं होता है, अपन को इतना जरूरी है। ठीक है विशाल, समझ में आ रहा? बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद ये आपको नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके आप भी नोट करिए, ये पूरा आपको याद करना है। और जब तक ये 10 कार्बन तक के नाम आपको याद नहीं होंगे तब तक आप आईयूपीएससी में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप और आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए और कल याद करके आना है। मैथ प्रो ब्यूट पेट एक्सेप्ट आप नॉन डेक, इस तरीके से कैसे एक बार डिवीजन कर लेते हैं, हम बोलेंगे आपको बोलना। ठीक है, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट एक्स एप्ट आक्ट नॉन डेक। ठीक है, तो इस तरीके से आप घर पे बार बार दोहराएंगे, 10 तक के तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। थैंक यू। ये